हेलो एवरीवन, वेलकम टू फरहीन क्लासेस। एम लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी से आपको चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स मिलेंगे इन वीडियोस में। तो इन सारे वीडियोस को देखने के लिए और साथ ही इन लेक्चर्स को सुनने के लिए आप लोग फरहीन क्लासेस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन वन बाई वन मिलते जाएँ। ओके, तो आज हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ऑलरेडी इसका दो पार्ट कम्प्लीट हो चुका है इन द टू डिफरेंट वीडियोज। अगर आप लोगों का मिस हो गया है वो दोनों वीडियो तो आप लोग उसे पहले देख लीजिए, इससे आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहेगी और सारे फैक्ट्स और इवेंट्स का एक सीक्वेंस मिल पाएगा आप पे। ठीक है, तो वो सारे वीडियोस भी देखिए और उसके बाद आज का ये वीडियो स्टार्ट कीजिए। दैट इज द पार्ट थर्ड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। आज हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। प्रीवियस जो हमारा वीडियो था वहां पे हम लोगों ने अपना डिस्कशन कंप्लीट किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1784, that was the Pitt's India Act of 1784, okay? और आज देखेंगे Charter Act of 1833। तो इसके क्या क्या important provisions हैं, features हैं, आइए देखते हैं। So, इस act ने क्या किया कि Governor General of Bengal, ठीक है, इस post और इस designation को change कर दिया as the Governor General of India। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये डिजिग्नेशन चेंज होने का मतलब सिर्फ नाम चेंज होना नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है कि साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा इसकी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स और अथॉरिटीज़ भी मिलती जा रही है। ठीक है, तो देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ जब बंगाल थे तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया इन्हें, और साथ ही इन्हें क्या क्या पावर्स दी गई, सिविल और मिलिट्री पावर्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पावर, सिविल और मिलिट्री पावर्स भी दे दिए गए। देन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने उस टाइम में इन द ईयर 1833। देन गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, इन लोगों को डिप्राइव कर दिया गया ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। तो जिस तरह से मैंने कहा ही है आप लोगों को कि जैसे डिजिग्नेशन चेंज हो रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पावर्स, इनकी अथॉरिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और साथ ही दूसरी तरफ इसका अगर आप लोग नेगेटिव साइड देखेंगे तो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास, ये लोग और ज्यादा अपने पावर्स और फंक्शन से डिप्राइव होते जा रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा सबऑर्डिनेट होते जा रहे हैं। टू हूम? टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ, आफ्टर द पैसेज ऑफ दिस एक्ट, इनका लेजिस्लेटिव पावर भी इनसे छिन गया और ये चला गया किसके पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स मिल गया। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर्स की यहाँ बात नहीं की जा रही है कि सिर्फ बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर्स को दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, नहीं, यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दिया जा रहा है ऑफ इंटायर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, पूरे इंटायर ब्रिटिश इंडिया का लेजिस्लेटिव पावर्स किसे मिल गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि लॉज, जो भी लॉज बनाए जा रहे थे अब तक, हम लोगों ने जो पढ़ा 1773, 1784, ये सारे जो लॉज थे अब तक क्या कहलाते थे, रेगुलेशंस। बट इस एक्ट के पास होने के बाद अब सारे लॉज को एक्ट्स कहा जाने लगा था। ठीक है, अब ये एक्ट्स के नाम से जाने इन्हें एक्ट्स कहा जाने लगा। देन कुछ और फीचर्स हैं वो भी देख लीजिए। इस चार्टर एक्ट 1833 में ने क्या किया कि इसने कंपनी की जो एक्टिविटी थी एज अ कमर्शियल बॉडी उसको टोटली खत्म कर दिया। ठीक है, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी जस्ट फॉर ट्रेडिंग, एज अ कमर्शियल, फॉर द कमर्शियल पर्पज। लेकिन कमर्शियल पर्पज के साथ साथ वो पोलिटिकल फंक्शन भी कर रही, पॉलिटिकल फंक्शन भी कर रही थी, है ना। लेकिन इन सारे चीज़ों को देखते हुए आहिस्ते आहिस्ते रेगुलेट किया गया इनके कामों को, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेट किया, कामों को डिवाइड किया, डिमार्केशन हुआ। देन फाइनली 1833 में क्या किया गया कि अब ये कमर्शियल बॉडी नहीं रही है, अब ये ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, अब कंपनी क्या बन गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यहाँ यानी कि इंडिया में अब ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये लोग अब अपनी मनमानी कर सकते हैं, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे चाहे वैसे चला सकती है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं। बिकॉज अब ये जो भी सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे वो किसके अंडर में होगा, इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी, यानी इन ब्रिटिश क्राउन के अंडर में सारे काम होंगे। ठीक है, लेकिन काम कौन करेगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी।
ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर आप क्राउन जो भी कहें, वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं कर रही है, गवर्न नहीं कर रही है. दे आर गवर्निंग थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. ओके, देन स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल्स, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी इसके स्ट्रेंथ को दोबारा से बढ़ा दिया गया, 4 कर दिया गया. 1773 में देखा हम लोगों ने कि 4 मेंबर्स थे, देन अगेन 1784 में 3 मेंबर्स कर दिया गया, देन इन द ईयर 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अब इसे बढ़ाकर फिर से 4 कर दिया गया. और फोर्थ मेंबर कौन थे? लॉर्ड मैक्यूले. इन्हें अपॉइंट किया गया एज ए लॉ मेंबर इन द काउंसिल. ओके, देन दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसने क्या अटेम्प्ट किया? फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट किया कि सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन सिस्टम को लाया जाए. ठीक है, लाया जाए, ये एक अटेम्प्ट था कि सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर व्हाट? फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम, जिस तरह से अभी हम लोग अपेयर होते हैं, एक ओपन कंपटीशन सिस्टम है, सभी लोग अपेयर हो सकते हैं उसमें. ठीक है, तो उस तरह से इस चीज की शुरुआत करने की कोशिश की गई थी. और कहा गया था कि इंडियंस शैल बाय एनी रीजन, ओनली बाय हिज रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर और एनी ऑफ देम कैन नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस अंडर द कंपनी. ये बात कही गई थी इस एक्ट में, लेकिन इस प्रोविजन को नेगेट कर दिया गया टोटली. इसका अपोजिशन हुआ, किसने किया अपोजिशन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने. ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि अटेम्प्ट कब किया गया था इंट्रोडक्शन का ओपन कंपटीशन सिस्टम का, तो हम लोग कहेंगे 1833 में. ठीक है, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया की बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द ईयर 1834 अंडर दिस एक्ट. और चेयरमैन कौन थे इस लॉ कमीशन के? ऑफकोर्स लॉर्ड मैक्यूले, बिकॉज आप अभी स्लाइड में देख ही सकते हैं कि लॉर्ड मैक्यूले को एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था काउंसिल में. ओके, देन आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये उसके बाद ही जस्ट पास हुआ था 1833 के बाद. सो दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अब तक जितने सारे चार्टर एक्ट्स पास कर रही थी उसमें से ये लास्ट है, बिकॉज इसके बाद जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट चला जाएगा अंडर द क्राउन. ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल वहां से खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1793 से लेकर 1853 तक जितने भी सारे चार्टर एक्ट्स को पास किए थे उसमें से ये लास्ट है 1853 का. इसके क्या फीचर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसने सेपरेट किया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को. गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी वो दोनों काम कर रही थी, लेजिस्लेशन का भी और एग्जीक्यूशन का भी. तो इस दोनों काम को सेपरेट किया गया बाय दिस एक्ट, दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853. साथ ही इसने प्रोवाइड किया कि एडिशनल 6 न्यू मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहलाएंगे, उन्हें काउंसिल में उनका एडिशन हुआ. ठीक है, उन्हें ऐड किया गया. और गवर्नर जनरल काउंसिल का अब स्ट्रेंथ कितना हो गया? 12 मेंबर्स का हो गया. ठीक है, एंड साथ ही इसने एस्टैब्लिश किया सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल. जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, देख लीजिए कि सेपरेट ये बनाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को ऐड किया गया और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया. जब फंक्शंस को अलग किया जा रहा है तो अलग ऑफिशियल्स चाहिए, अलग ऑफिस चाहिए, अलग बॉडी चाहिए उस चीज़ को देखने के लिए, हैंडल करने के लिए. तो इसीलिए इस लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, जिसको कहा जाने लगा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, एंड इस लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये किस तरह से काम करेगी? ये बिल्कुल मिनी पार्लियामेंट के तौर पे काम कर रही है. ठीक है, और ये मिनी पार्लियामेंट किसको फॉलो कर रही है? द ब्रिटिश पार्लियामेंट. जस्ट ऑन द लाइन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट काम कर रही है, काम करता था उस वक्त, उसी तरह से ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इंडिया में बनाया गया ये उसी तरह से काम करेगा. ठीक है, सारे प्रोसीजर्स वगैरह सब कुछ उसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही फॉलो किया जाएगा. ओके, देन इसने इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन सिस्टम को फॉर द सिलेक्शन एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स. देखिए 1833 में हम लोगों ने क्या देखा? 1833 में हम लोगों ने देखा कि एक अटेम्प्ट लिया गया कि ओपन कंपटीशन सिस्टम को लाया जाए, लेकिन वहां पे तो उसका नेगेशन हो गया, वो पूरा खत्म हो गया वहां पर, है ना. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे एकदम अपोज किया. लेकिन इस 1853 में क्या हुआ कि ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है इसका इंट्रोडक्शन बाकायदा हुआ प्रैक्टिकली. ठीक है, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट का. तो इस काम को इन्फोर्स करने के लिए
ये जिम्मेदारी किसे दी गई? मैकियेवेली को. सर मैकियेवेली को दी गई. मैकियेवेली कमेटी बनाई गई. इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 1854 में मैकियेवेली कमेटी को अपॉइंट किया गया टू इन्फोर्स दिस. ठीक है, कि ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम हो. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. और दूसरे क्या फीचर्स हैं इसके? साथ ही इसने क्या किया, कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया. ठीक है, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड. इसे अलाउ किया कि ठीक है, आप लोग जो पोजेशन इंडियन टेरिटरीज जो आप लोग पोजेस कर रहे हैं उसे आप लोग रख सकते हैं ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन. ओके, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितने पीरियड तक आप लोग इंडियन पोजेशन को रख सकते हैं, इंडियन टेरिटरीज को अपने अंडर में रख सकते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया गया. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज यहाँ से ये साफ इंडिकेट कर रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी के रूल को किसी भी वक्त टर्मिनेट कर सकती है ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास अब ये पावर है. और ये बात ये स्पेसिफाई, चूंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको कितने दिनों तक आप लोग इंडियन टेरिटरी को आप लोग पोजेस कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ से ये क्लियरली समझ आ रहा है कि जब भी चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट वो कंपनी के रूल को टर्मिनेट कर सकती है. ओके, देन इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन. इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम इसी एक्ट से आया. ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. तो किस तरह से लोकल रिप्रेजेंटेशन आया? जो 6 नए मेंबर्स आए थे गवर्नर जनरल काउंसिल में, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा शुरुआत में, ठीक है, तो उसमें से 4 मेंबर्स जो रहेंगे उन्हें अपॉइंट किया जाएगा बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. कहाँ के? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा. ओके, ये याद रखिएगा कि 4 न्यू मेंबर्स वेयर टू बी अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, तो ये था सारा हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज टू इंपॉर्टेंट एक्ट्स, चार्टर एक्ट, दैट वाज 1833 एंड 1853. अगर आपको ये सारे वीडियोस, ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा, ये आपको वीडियो, ये लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव लग रहा है, देन इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही शेयर भी करें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ फरहीन क्लासेस फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.